जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं, वैसे वैसे तमाम तरह के मामले ऐसे उठ रहे हैं जिनको लेकर लगातार सियासी तपिश बनी हुई है। होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई बात सियासत में होती है तो तपिश यहाँ पर ऊपर तक जाती है, और खासतौर पर जब बात यहाँ पर जनता के नेताओं पर कार्रवाई की होती है तो तपिश और बढ़ती चली जाती है। क्योंकि यहाँ पर जब जनता के नेता पर कार्रवाई होती है तो कहा जाता है कार्रवाई एक तरफा है। कोई बोलता है कि मौका मिलना चाहिए, कोई बोलता है कार्रवाई एक तरफा है, कोई बोलता है कि संसाधनों का दुरुपयोग है। यहाँ स्थिति फिलहाल यही चल रही है। चुनाव बीजेपी जीती है तो ईवीएम की बात की जा रही है, चुनाव बीजेपी जीती है तो यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात की जा रही है। ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा हुआ है जिससे बीजेपी यहाँ पर हार रही थी वहाँ जीत कर आ गई है। क्या समीकरण रहे, क्या व्यवस्थाएं रही, इसकी चर्चा हर कोई कर रहा है। कोई हार पर मंथन कर रहा है तो कोई हार की समीक्षा कर रहा है, और कोई यहाँ पर 24 की तैयारी कर रहा है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि जीत हमको मिले। पर 24 चुनाव के पहले तमाम तरह के जो मामले हैं वो भी यहाँ संज्ञान में आ रहे हैं। अगर एक आज की घटना की बात करें तो आज संसद में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। घटनाक्रम क्या रहा कि टीएमसी सांसद महुआ मित्रा की यहाँ पर जो सदस्यता थी सांसद की वो रद्द कर दी गई, और कहा गया कि उन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछे थे। संसद की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट थी, और रिपोर्ट के बाद यहाँ पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने फैसला सुनाया, और यहाँ तक कि बोलने का मौका भी नहीं दिया गया। जबकि तमाम टीएमसी सांसद और कांग्रेस के नेताओं ने भी वहाँ पर कहा कि महुआ मोत्रा को यहाँ पर बात करने की, अपनी बात कहने की अनुमति मिलनी चाहिए, क्योंकि ये अनुमति देश का संविधान देता है, देश का लोकतंत्र देता है। पर अनुमति यहाँ नहीं मिली, और उन्होंने कहा कि ये नियम नहीं है, जो यहाँ पर व्यवस्थाओं का मखौल उड़ाया गया है उसके तहत इनको बोलने की अनुमति हम नहीं देंगे। और महुआ मोइत्रा के साथ यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई की गई कि सदस्यता रद्द कर दी गई। अब यहाँ पर दोषी कौन है? दोषी यहाँ पर व्यवस्था है, या दोषी यहाँ पर वास्तव में जो लोग जनता के जनाधार का दुरुपयोग कर रहे हैं या जनता के जनाधार का मखौल उड़ा रहे हैं? एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में दोषी पाई गई, पर अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। और यहाँ पर जो चीज़ें और खुल के आ रही हैं वो स्पष्ट करती है कि आने वाले समय में इस पर भी चर्चा बड़ी होगी। हमने देखा अभी हाल के घटनाक्रम में, जब राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द की गई थी, तब भी बड़ा यहाँ पर संग्राम हुआ था, लंबा वहाँ पर ट्रायल चला, उसके बाद यहाँ पर सुनवाई के बाद सदस्यता यहाँ वापस आई। और उस दौरान जब हमने लगातार देखा कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह पर उतारू थी, और राहुल गांधी के लिए भी सत्याग्रह किया जा रहा था, और करना भी चाहिए। अगर अपना नेता परेशानी में है तो उसके लिए सत्याग्रह करना चाहिए, भले ही परेशानी यहाँ पर जायज हो या ना जायज हो, पर यहाँ पर सत्याग्रह करना कार्यकर्ताओं का काम भी है, और शायद ये नेताओं की उपलब्धि भी कही जाती है। पर अगर इसकी चर्चा करें तो इसके पहले मैं 2005 में ऑपरेशन दुर्योधन भी देखा था, जिसके तहत यहाँ पर बीजेपी के 6, बसपा के 3, कांग्रेस का 1 और राजद के 1 सांसदों की सदस्यता रद्द की गई थी, और कहा गया था कि एक मीडिया ग्रुप के स्टिंग ऑपरेशन चलते कार्रवाई हुई थी, और वहाँ पर जिस तरह की कार्रवाई हुई थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने भी इस कार्रवाई को जायज बताया था। तो जब अगर यहाँ पर कार्रवाई 11 लोगों पर हो सकती है तो एक पर यहाँ पर इतना हाय तौबा क्यों? क्यों कहा जा रहा है कि यहाँ पर सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है? अगर वहाँ पर भी कार्रवाई हुई थी, जब बीजेपी के सांसदों पर, कांग्रेस के सांसदों पर, बसपा के 3 सांसदों पर वहाँ कार्रवाई हुई थी, तो यहाँ पर भी कार्रवाई अगर हुई है तो उसमें इतना दर्द क्यों है? अगर आप सही हैं तो वो साबित करने के लिए आपको समय भी मिलता है, आप कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, आप न्यायतंत्र की शरण में जा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि व्यवस्थाओं के चलते इस तरह की सारी चीज़ें आपके साथ उपलब्ध हैं। और दूसरी बात यह कि अगर इसको लेकर चर्चा नहीं होगी तो भी यहाँ पर समझ से बाहर रहेगा कि चीज़ें क्या हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें सामने निकल के आई हैं, जो चीज़ें यहाँ पर बयां की जा रही हैं, वो भी एक अलग बात है। पर जिस तरह से आज बोलने का भी मौका नहीं मिला, ये भी एक सवाल उठाता है कि अगर वो सांसद थी और लगातार जनता का प्रतिनिधित्व कर रही थी, जो जनता का प्रतिनिधि होता है उसको बोलने का मौका यहाँ मिलना चाहिए, और अगर मौका नहीं मिल रहा है तो उसके लिए यहाँ पर जिम्मेदार कौन है? बोलने के मौका देने से रोका गया और उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई की गई, अगर कार्रवाई की गई तो उसके पीछे वजह क्या है? फिलहाल कुछ बयान से जगह आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह हमने देखा है कि
जिस तरह की बात कही गई, जिस तरह की चीजें बताई गई, वो स्पष्ट करती हैं कि आने वाले समय में ये जो मामला है और अभी आगे बढ़ेगा। क्योंकि टीएमसी सांसद पर अगर यहाँ कार्रवाई हुई है तो उसको लेकर भी तमाम तरह की गतिविधियाँ लगातार जारी हैं। और मैंने आपको इसलिए ऑपरेशन दुर्योधन की भी याद दिलाई कि उस समय भी बड़ी कार्रवाई हुई थी, 11 सांसदों पर कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई थी, और शायद लोकतंत्र की सबसे बड़ी कार्रवाई में एक है। उन पर भी यही आरोप लगा था कि पैसे लेकर सवाल पूछने की बात वहाँ पर कही जा रही थी। 2005 का मामला है और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, और उन्होंने यहाँ तक कि सभी सांसदों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी उसको उन्होंने जायज बताया था, यहाँ तक कि कांग्रेस के सांसद के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी उसको भी जायज बताया था। और उसमें 9 लोकसभा सांसद थे और 1 राज्यसभा सांसद था, भाजपा के 6, बसपा के 3, कांग्रेस का 1 और राष्ट्रीय जनता दल का 1। बड़ी कार्रवाई थी। अब इसको क्या कहा जाए, कि भ्रष्टाचार पर मोदी का एक्शन, या वास्तव में एक कार्रवाई, अगर कार्रवाई हुई है तो एसएस कमेटी की यहां पर रिपोर्ट भी आई है। पर यहां पर केवल कार्रवाई के अगर जट की बात करें तो अगर संसद की गरिमा बनाए रखने के लिए एथिक्स कमेटी कार्रवाई करती है, संसद की गरिमा बनाए रखने के लिए यहाँ पर बड़ी बड़ी कार्रवाई होती है, संसद सदस्य रद्द होती है, तो उन बयानों पर भी यहाँ कार्रवाई होनी चाहिए जो बयान नफरत फैलाने वाले हैं, जो अभी हमने हाल के क्रम में देखे हैं। तमाम लोगों के बयान आए और बयान ऐसे आए वो हमने भी सुने हैं। अगर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट वहाँ आती तो एथिक्स कमेटी रिपोर्ट शायद उन पर भी होनी चाहिए, जैसे रमेश बिरूड़ी का बयान यहाँ पर आया था, उन पर भी एथिक्स कमेटी को यहां पर संज्ञान लेना चाहिए था। केवल बयान को लोकसभा की कार्रवाई से निकाल देना, यह कहां तक एक समाधान है, या कार्रवाई करके एक ऐसी नजीर पेश करना भी जरूरी है जिससे सांसद आने वाले समय में लोकतंत्र के इस मंदिर की गरिमा को बनाए रखे, संस्कृति बनाए रखे और सभ्यता को बनाए रखे। क्योंकि भारतीय लोकतंत्र है और यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसकी गरिमा को बनाए रखना अगर प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है तो प्रत्येक सांसद का कर्तव्य भी है। और जब सांसद अपने कर्तव्य से पीछे हटता है, अपने कर्तव्य से न्याय नहीं करता, अपने जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करता, या कोई ऐसी गड़बड़ी करता है जिसके कारण हमारे लोकतंत्र के मंदिर की गरिमा खराब होती है, कमजोर होती है, संस्कृति धूमिल होती है, तो वहां पर कार्रवाई होनी चाहिए। और शायद यही कुछ कार्रवाई आज भी हुई है, पर यहां कार्रवाई केवल एक पर नहीं बल्कि तमाम चीजों पर होनी चाहिए। अगर यहां पर गलती, अपराध, पैसे लेकर सवाल पूछने का, तो यहाँ पर अपराध वो भी है कि आप लोकतंत्र के मंदिर में गलत बयानबाजी करें। और बयानबाजी केवल बीजेपी नहीं, अन्य पार्टी नहीं, बल्कि तमाम ऐसी पार्टियाँ हैं जिन्होंने समय समय पर ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिसके लिए लोकतंत्र के इस मंदिर में जगह नहीं है, बोलना ही नहीं चाहिए। क्योंकि भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय व्यवस्था के तहत इन तरह की चीज़ों का कोई जगह नहीं है। वो संविधान जिसके प्रति सब अपने आप को समर्पित करते हैं, वो संविधान जिसको लेकर सब अपने आप को आगे मानते हैं, वो संविधान जो आपको तमाम अधिकार देता है, वो संविधान जो आपको शक्ति देता है, वो संविधान जो आपकी जरूरत है, वो संविधान जो आपके हृदय में, वो संविधान जो आपके तमाम व्यवस्थाओं को यहाँ सुचारू रूप से चलाता है, उसी संविधान की अगर बात होती है तो यहाँ संविधान को लेकर बात भी करनी जरूरी है। और यही चर्चा विषय है। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए अभी कुछ ही समय में मेहमान जुड़ेंगे। हमारे तो फिलहाल जो मेहमान हमारे साथ उपलब्ध हैं, प्रवीर सिंह कांग्रेस से अपनी बात रखेंगे, विद्या गौतम बहुजन समाज पार्टी से अपनी राय देंगी, समाजवादी पार्टी से कपिल श्रीवास्तव अपनी राय देंगे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से यहाँ प्रकट श्रीवास्तव अपनी राय देंगे, और रजनीकांत मिश्रा जी रालोर से अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, मैं प्रवक्ता कांग्रेस की बात लूँगा। प्रदीप भाई, हमने ऑपरेशन दुर्योधन भी देखा 2005 में, अब यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, तो अगर कार्रवाई हो रही है तो हाय तौबा क्यों? और अगर कार्रवाई पहले भी हुई थी और यहां तक कि आपके प्रधानमंत्री समय थे और उन्होंने भी इस कार्रवाई को जायज बताया था कि अगर कुछ गलत हुआ है, किसी ने गलत किया है, जो लोकतंत्र के मंदिर की जो मर्यादा उसको छीन छीन किया है, तो कार्रवाई होना जायज है। किस तरह देखते हैं आप महुआ मुत्रा वाली पूरी प्रकरण को? मेरा भाई, बंगारू लक्ष्मण के नेतृत्व में चलने वाला राजनीतिक दल जी जब इन मुद्दों पर चर्चा करता है तो लगता है बेईमानी है। अच्छा, जब बात बंगारू, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या किसी नेता का एक बयान दिखा दीजिए और इसी बहस के दौरान उनके प्रवक्ता से पूछिए कि वो बंगारू लक्ष्मण के उस कृत्य की निंदा करते हैं क्या। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखिए, आप ही कोतवाल हैं, आप ही जज हैं,
आप ही आरोपी बना रहे हैं, आप ही निर्णय कर दे रहे हैं। ये आपकी लगातार देखिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों द्वारा, विपक्ष के नेताओं पर तमाम जगहों पर तमाम अमर्यादित टिप्पणी की गई है, और श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त करने में जितनी जितनी जल्दीबाजी की गई ये पूरा देश जानता है। और आखिर में फैसला न्याय मिला और निश्चित तौर पर देशवासियों को लगा कि इस देश में अभी भी न्यायपालिका मजबूती के साथ खड़ी है, और आपके किसी भी आचरण के विरुद्ध जो असंवैधानिक है उसके विरुद्ध अगर जनता खड़ी होती है और अदालत में जाते हैं तो उस पर निर्णय होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस बेशर्मी के साथ विपक्ष की आवाज़ दबा देना चाहती है, निश्चित तौर पर मुखर होकर इस देश का एक एक नौजवान और भारत के संविधान पर विश्वास करने वाला एक एक साथी इसके खिलाफ मुखर होकर बोलेगा। बोलो जी प्रदीप भाई, पर जिस तरह आपने कहा कि राहुल गांधी की आपने बात की, मोहम्मद मुत्रा की आपके बात की, तो आपको मैंने ऑपरेशन दुर्जन भी बताया है, उसकी बात भी की है, तो यहाँ पर अगर कार्रवाई हुई है, छः छः भाजपा के सांसद पर कार्रवाई हुई है, तो अगर कार्रवाई हो रही है तो उस कार्रवाई पे कुछ बोलना चाहेंगे? जब कार्रवाई वहाँ हो रही है तो यहाँ भी हो रही है, दिक्कत क्या है भाई? निश्चित तौर पर हम ये सवाल गौरव भाई आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिएगा कि बंगारू लक्ष्मण पर उनका बयान क्या है। अच्छा, पूछिएगा कि बंगारू लक्ष्मण जी के नेतृत्व में जो राजनीतिक दल कदम बढ़ाता चला आया है, वो बंगारू लक्ष्मण पर भी कोई बयान देगा क्या? और लगातार देश के प्रधानमंत्री हों और या फिर गृह मंत्री हों, लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने विपक्ष के नेताओं पर इस पर बार बार बताना कि इन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए क्या कहा, प्रियंका गांधी जी के लिए क्या कहा, ये सभी को मालूम। और कई बार और संसद के अंदर जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं के लिए बड़ी ही अमर्यादित टिप्पणी की गई, हमें लगता है इस पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को और प्रवक्ता और नेताओं को बोलना चाहिए। जब तक आप उन अमर्यादित टिप्पणियों पर का समर्थन करते नजर आते हैं और दूसरी तरफ श्री राहुल गांधी जी पर जो कार्रवाई हुई वो पूरे देश ने देखा, लेकिन देश का एक एक नौजवान निकलकर सड़कों पर आया और लोकतंत्र की आवाज मजबूत हुई और देश की न्यायपालिका को, देश के संविधान को सैल्यूट है कि संविधान ने अपना काम किया, देश की न्यायपालिका ने अपना काम किया। ठीक है, जवाब लूंगा। हमारे साथ कुछ समय बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो भी जुड़ जाएंगे। फिलहाल मैं कपीस भाई की बात लेता हूँ। कपीस भाई, पूरा प्रकरण आपके सामने है, 2005 का ऑपरेशन दुर्जन भी आपको पता है, जानकारी है, वरिष्ठ नेता है, और यहाँ पर महुआ मोहित्रा का भी आपको मामला पता है। किस तरह देखते हैं कि कार्रवाई सही मानते हैं या केवल यहाँ पर एक जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर हाथों मचा रहा है? पहले भी यहाँ पर तमाम लोग सांसद ली गई है, किस तरह देखते हैं आप? गौरव भाई, हम विधिक बात करेंगे, कर लीजिए। और जी बोलिए, कपीस भाई बोलिए। जी कपीस भाई बोलिए। हेलो जी, बोलिए जी, आपकी आवाज आ रही, बोलिए जी। कपीस भाई बात करिए अपने, बोलिए कपीस भाई। आपका फोन क्या होल्ड पे किया हुआ है कपीस भाई? चलिए ठीक है, अभी जाहिर कपीस भाई का स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मैं फिलहाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है प्रखर से बात करूंगा। प्रखर, प्रखर आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। वरुण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, बोलिए। वरुण जी सर, पहले आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को जी। भरत जी, ये खबर आती है कि किस तरीके से लाखों लोगों से के द्वारा चुने गए जी एक सांसद को जी रिमूव कर दिया जाता है, निरस्त हटा दिया जाता है जी, तो ये खबर सुन के बड़ी पीड़ा होती है। अच्छा गौरव भाई, मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आ चुके हो, तो मैं उनसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि कब तक आप ईडी, सीबीआई और के डंडों पर और अपने भाई इनको बहुत कर रही है आवाज। अरे संसद में कौन सी ईडी सीबीआई है भाई? आदि पर कर रही है। संसद में कौन सी ईडी सीबीआई है बोला भाई? हाँ, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल बोलिए।
बोलिए। मैं ये बताना चाह रहा था, मैं आपके चैनल के माध्यम से इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर आ जाए तो उनसे मेरा सवाल जरूर पूछ लीजिएगा कि किस तरीके से ये अपने अपने सारे संसाधनों को यूज करके विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। जी मुझे याद है इसी आप ही के चैनल पे डिबेट में रमेश बिदौड़ी ने जिस तरीके से एक मान्य सांसद को भरे सभा के अंदर गाली दी थी, उसी डिबेट में मैं बैठा हुआ था जी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। अच्छा। और उनके ऊपर उन्हीं के प्रवक्ता ने विश्वास दिलाया था आपके चैनल पर कि आप इंतजार करिए, उनके ऊपर अगर उन्होंने कुछ गलत करा तो कार्रवाई होगी। किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करी गई जी। भरी सभा में उन्होंने एक सांसद को गालियां लिखी, गालियां बोली, मगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी गई। अच्छा। देखिए इस देश के अंदर अडानी के नौकरों की सरकार चल रही है, मालिक जो कहेंगे। अच्छा, ये अडानी का नौकर कौन है? आप जनाधार का यहाँ पर उपहास उड़ा रहे हैं क्या प्रखर श्रीवास्तव जी? मैं किसी तरह का उपहास उड़ा रहा हूँ, मैं आपको बस अडानी 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 के चुनाव होता है क्या? अडानी के नौकरों की सरकार चल रही है। ये बताइए, ये लोकन का आप उपहास उड़ा रहे हैं क्या? मालिक जो कहेगा। अच्छा, को करना पड़ेगा वरना सत्ता चली जाएगी। ये कौन सी शब्दावली है प्रखर श्रीवास्तव जी? ये बताइए, जनता के जनाधार को आप यहाँ पर उपहास उड़ा रहे हैं क्या? जनता जनाधार देती है तब सरकार बनती है। जनता के जनार्दनों को हम उनका सम्मान करते हैं। हाँ। मगर जिस तरीके से जनता ने उनको चुन के भेजा था। हाँ। जिस तरीके से वो अपनी चीजों का दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ। किसी एक आदमी को चाहे आसमान में चले जाओ तो जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाओ रेल अडानी का, पाताल में चले जाओ कोयला अडानी का। एक व्यक्ति के लिए काम करने के लिए थोड़ी ना जनता ने आपको चुन के बैठाया था। अच्छा, देखिए मैं आपके तो इतना तकलीफ आपको है प्रखर श्रीवास्तव, इतना तकलीफ आपको है तो एक बात दाखिल कर दीजिए, सरकार चल रही है, रोड पे आ जाइए, संघर्ष कर लीजिए। जो संघर्ष यहाँ पर आम आदमी पार्टी सांसद, सुन लीजिए मेरी बात को, जो सुन लीजिए मेरी बात को प्रखर श्रीवास्तव, डिक्टेट मत करिए प्लीज प्रखर श्रीवास्तव जी। मैं कह रहा हूँ जो यहाँ पर आप इतनी बातें बोल रहे हैं, अगर आपको इतना दर्द है, आप इतनी व्यथा समझते हैं कि दुरुपयोग यहाँ पर हो रहा है सिस्टम का, तो आप यहाँ चुप क्यों बैठे हैं? आप रोड पर आइए। जब आप अपने राज्यसभा सांसद के लिए संघर्ष कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, तो एक आंदोलन पब्लिक के लिए कर लीजिए, छुटकारा दिलाने के लिए। वह तकलीफ हो रही है क्या कि सारे आंदोलन अपने अपने नेताओं के लिए करेंगे? बोल लीजिए गौरव भाई, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बता दीजिए। हम इंडिया गठबंधन अलायंस में जिस तरीके से हमारा शीर्ष नेता, अब इंडिया गठबंधन की बात मत करिए भाई, मुद्दा वो नहीं है। इंडिया गठबंधन में हम इंडिया गठबंधन में है। अच्छा, मैं गर्व से कहता हूँ मैं इंडिया गठबंधन का हम लोग हिस्सा है। अच्छा, हम राष्ट्र पार्टी है, राष्ट्र पार्टी आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है। अच्छा, एक कितनी सीटें देंगे कांग्रेस को? अरे कांग्रेस को पंजाब में दिल्ली में कितनी सीटें देंगे? गठबंधन की बात कर ली ना आपने। जब आप हमारी डिबेट को मुहैया मित्ता की जगह कहीं और पे ले जाएंगे तो मैं पूछूंगा। जब आप इंडिया गठबंधन की बात करो, मैं पूछ रहा हूँ, बताइए दिल्ली में कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे, पंजाब में कितनी सीटें देंगे, बताइए। देखिए मैं आपको फिर बता चुका हूँ, इससे पहले भी मैं आपको यही बात बोली थी। जो शीर्ष नेतृत्व इंडिया गठबंधन के जितने शीर्ष नेतृत्व है जो तय करेंगे मुद्दे बने रहिए, आपसे काम करेंगे मुद्दे पे रहिए। ठीक है, हो गया प्रखर जी, हो गया हमारे साथ प्रवक्ता भी लिपि गए, चलो हो गया हो गया, मैं मुद्दे पर हूं, मैं हो गया प्रखर श्रीवास्तव जी, आपका समय हो गया, मैं दोबारा आऊंगा प्लीज प्लीज। इस देश के अंदर आप मुद्दे पे बोलिए, आपका समय फिलहाल समय खत्म है प्रखर जी प्लीज, वो अडानी के नौकरों को करना पड़ेगा, इनको म्यूट करिए, हो गया चलो हो गया। संजय सिंह बोलेंगे, संजय जी यहाँ पर आप पर कही जाइए जानबूझकर। प्रदीप जी बोले हैं कि राहुल गांधी को जानबूझकर छोटी सी बात को लेकर इतना उठाया गया, छोटी बातों पर इतनी कड़ी कार्रवाई कर देते हैं, संज्ञान ले लेते हैं, और बड़ी बड़ी बातें संसद में हो जाती हैं, बयान हो जाते हैं, अमर्यादित शब्दों का उपयोग होता है, वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और कार्रवाई एक तरफा होती है। मुहैया मुत्तर की कार्रवाई को भी यही कहा जा रहा है। गौरव जी नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार जी। देखिए विपक्ष का दर्द हमें समझ में आता है। अच्छा, और इनका जो बेचैनी है वो भी समझ में आ रही है। बेचैनी है, बेचैन तो है ही है जी, जनता का जनादेश ये समझ नहीं रहे हैं।
बार बार एक ही राग लाप रहे हैं। अभी हमारे आम के आप आदमी के प्रवक्ता प्रखर श्रीवास्तव जी को हम सुन रहे थे जी। अब देखिए भाषा क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, अडानी के नौकर जी। भाई देखिए आप राजनीति कर रहे हैं, आप किसके नौकर हैं? आप वो दारू वालों के नौकर थे क्या इसका मतलब, जिसमें आपके संजय सिंह जेल में है, ईडी के केस में कई नेता आपके जेल में हैं। हम लोग जनता के सेवक हैं, जनता के नौकर हैं जी। आप भी लोकतंत्र में जनता के ही नौकर होंगे। अगर आप अपने को नहीं समझते हैं तो फिर भाई आपका भगवान ही मालिक है और आप ऐसे ही पिटते रहेंगे। और रही बात इंडिया के गठबंधन की, प्रखर जी आप बात कर रहे हैं, कौन सा गठबंधन है आपका? विधानसभा चुनाव में कौन सा गठबंधन किया था? अभी तेलंगाना में शपथ हुई है, क्या आपको कांग्रेस ने बुलाया? अरे मान ना मान, हम तेरे मेहमान जबरदस्ती ढपली बजा रहे हैं। पंजाब में आप कांग्रेस के नेता आपको साथ नहीं लेना चाहते हैं, क्या मजाक बना रखा है? देखिए प्रखर जी, ये टीवी चैनल में बैठ के आप लोग डिबेट करते हैं, आप जमीनी हकीकत से बहुत दूर हैं। आप समझ ही नहीं रहे देश का जनमानस क्या, उसका मानस क्या बना हुआ है। आप जिस दिन समझ लेंगे उस दिन ये भाषा आप इस्तेमाल कर, अब आप क्या बोलते हैं आप लोग अडानी को लेके? जो टीएमसी की सांसद बर्खास्त हुई हैं या उनको हटाया गया है, सब जानते हैं कि उनका क्या संबंध था एक जो उद्योगपति थे जी। और उन्होंने खुद, उस उद्योगपति ने कहा कि लॉग इन, वो जो आईडी पासवर्ड है उन्होंने खुद दिया। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर अपना लॉग इन आईडी पासवर्ड सिर्फ एक, आप ही जैसे अडानी के, वो आपको अडानी से दिक्कत क्या साहब? क्या दिक्कत है अडानी से? वो उद्योगपति है इस देश के, लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। आप क्या है? आप तो लूटपाट कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं। अच्छा, इनको प्रखर जी आप लोग समझिए इस बात को, आप लोग हैं किस दुनिया में? और हमारे प्रवक्ता मित्र कांग्रेस के अभी बोल रहे थे जी कि भाषा, अभी राहुल जी ने क्या बोला था जी, क्या वो शब्द इसका, पनौती? तो फिर अब अगर राहुल जी को पनौती बोला जाए तो फिर क्या, कांग्रेस की दुर्गति कर रखी है उन्होंने। अच्छा, आप लोग प्रदीप जी कहां रह रहे हैं? वही वाली बात है, अगर आप नहीं समझेंगे जनता के मूड को तो फिर बहुत मुश्किल है। और आपका INDI गठबंधन, जो घमंडिया गठबंधन है, उसका तो भविष्य समझ में आ रहा है। अच्छा, अब अखिलेश यादव जी के बारे में क्या बोला गया, अभी कपीश जी बोलेंगे, बड़े अच्छे मित्र है प्रवक्ता महोदय। तो ये सब देखिए जनता बखूबी समझती है। तीन स्टेट में जो भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है उसको अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं फिर आपका कोई भला नहीं कर पाएगा। कपीश भाई बोलेंगे, कपीश भाई आपके मैं दोबारा लूंगा, आपकी बात आ नहीं पाई थी। कपीश भाई जो हुई है तो आपने कोई विधिक बात बता रहे थे, बता दीजिए कपीश भाई। गौरव भाई बिल्कुल इस पर लिखकर ही टिप्पणियां होनी चाहिए बिल्कुल, और काफी वो इको हो रही है उसको सही जी। जी बोलिए। मैं बात स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ जी, जो चीजें संसद के अंदर होती हैं उस पर तो सुरक्षा व्याप्त है, कवच है, ठीक है, लेकिन अगर कोई रिश्वतखोरी बाहर हुई है तो वो संसद के अंदर का हिस्सा नहीं जी। प्रथम सूचना रिपोर्ट क्यों नहीं अंकित कराई? बिल्कुल सही बात। दूसरा मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर रिश्वत लेना जुर्म है तो रिश्वत देना भी तो जुर्म है। बिल्कुल जुर्म है। तो वो साहब जो कि आरोप लगा रहे हैं जी कि उन्होंने रिश्वत दी जी, इस प्रश्न को पूछने के जी, अरे साहब ये तो विपक्ष का ही प्रश्न था, इसे पैसे देने की कौन सी बात। अडानी साहब ने जी जो घोटाला किया था विश्व स्तर पर वो पैमाने में सामने आया जी, और जो फेक कंपनियों के माध्यम से 20,000 करोड़ का जो लेन देन था उस पर संसद इतनी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो चलाई नहीं, आपके सामने है, संसद चलने नहीं दी उस मामले में। तो प्रखर जी ने जिन शब्दों को कहा उनको सीमित शब्दों में कहा जाए। अच्छा, कि ये तो सच्चाई है कि रिमोट कंट्रोल कहीं और है सरकार, अच्छा, जहां से ये सरकार चल रही। अच्छा, और मैं एक बात पूछ रहा हूँ, बोल लीजिए गौरव भाई जी। कपीश श्रीवास्तव आपके अच्छे मित्र हैं जी, मैं एक दिन आपके घर गया दीपावली के दिन और कुछ उपहार स्वरूप आपको भेंट कर दिया, और उसके बाद मैंने आकर के ये कहा कि साहब जो फला प्रश्न का उत्तर था ये हमने कहा था कि ये इनसे कि आपको ऐसे करना होगा। अच्छा, और इन्होंने किया, इन्होंने हमसे रिश्वत ली, ठीक, तो क्या ये रिश्वत हो गई थी भाई? उन्होंने क्या कहा, उपहार स्वरूप क्या दिया? अगर उन्होंने रुपए का ट्रांजेक्शन किया तो वो ट्रांजेक्शन कहाँ है? बिल्कुल। अगर उन्होंने कैश में भी रुपया देने की बात की तो गवाह कौन है?
क्योंकि केवल हमारे कह देने मात्र से तो कोई प्रूफ नहीं होता। ऐसे तो हम संजय सिंह जी कैसे कह दें कि भाई संजय सिंह जी ने हमें पैसे लिए, जी तो कोई मान लेगा क्या कि मैं आरोप लगा दिया तो जी। तो जो चीज संसद के अंदर से पहले ही क्राइम हो गई, संसद में प्रश्न पूछने से पहले क्राइम घटित हुआ है जी, संसद के अंदर ही से पहले ही घटित हो गया ना जी, इसे कहा सुरक्षा प्राप्त। बिल्कुल, आपने क्रास एफआईआर दर्ज की होती, मैंने एफआईआर दर्ज की होती, वो वादी बनाए गए होते जिन्होंने कहा कि हमने रिश्वत दी है, और अगर ये नहीं है तो ये षड्यंत्र नहीं है तो और क्या षड्यंत्र। आप मुझे बताइए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध प्रश्न पूछने के लिए और अडानी के विरुद्ध प्रश्न पूछने के लिए रिश्वत लिया? अरे भाई विपक्ष में हम लोग इनके अलावा और किसको लेंगे भाई? जो सामने हैं सत्ता पक्ष के मुखिया, जिनके वजह से ये देश गुलामियत की ओर आगे जा रहा है, लीजिए जो 105 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर विदेशी बैंकों से उठा लिए और बताने के लिए तैयार नहीं है कि 105 लाख करोड़ रुपया उन्होंने कहां खर्च कर दिया, जबकि इसरो उन्होंने दिया नहीं, भाभा एटमिक सेंटर दिया नहीं, डीआरडीओ दिया नहीं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दिया नहीं, एमएनआर दिया नहीं, आईआईटीएस दिया नहीं, एम्स दिया नहीं, भाई इन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सीएसटी और पीएससी तक नहीं दी। डाक विभाग क्या इनका दिया हुआ है? रेल महात्मा को प्राइवेटाइजेशन करते चले जा रहे हैं, जो पुरानी संपत्तियां हैं सरकार की उसको बेचते चले जा रहे हैं, डिस इन्वेस्ट करके राजस्व का घाटा पूरा कर रहे हैं, और 6 लाख करोड़ रुपए जो 105 लाख करोड़ रुपए इन्होंने उठाए हैं उसका वो सूद भर रहे हैं। अच्छा, यानी कि किराए के मकान में एसी लगवा के एलईडी टीवी लगा के बता रहे हैं कि इन्होंने विकास कर लिया, 5 ट्रिलियन की अब सपना दिखा रहे हैं। अच्छा, किराए के मकान में रहकर। मैं तो एक बात पूछ रहा हूं कि इनके खिलाफ अगर प्रश्न पूछना गुनाह है हुजूर, तो फिर प्रश्न क्या विपक्ष के ऊपर पूछा जाएगा? तो कपिल भाई आपने हम नीति बना सकते हैं ना, आपने इतनी बातें कही, मैंने लीगली चीजें कही, और इनसे मैं चाहता हूं कि लीगली जवाब लीजिए। मैं जवाब लूंगा कि जो चीज संसद से पहले ही घटित हुई तो वो क्राइम हो गया, संबंधित व्यक्ति वादी कहां बना कि कोई एफआईआर हुई, और अगर हुई तो क्रॉस एफआईआर क्यों नहीं हुई और उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? जवाब लूंगा इनसे, कपिल भाई। इसका कानून रिश्वत देना और लेना दोनों जुर्म करार करता है, दोनों में बराबर की सजा। बिल्कुल कपिल भाई, मेरा एक सवाल आपसे, आपने कहा कि यहाँ पर एक तरफा कार्रवाई है, इस तरह चीजें नहीं होनी चाहिए, तमाम चीजें आपने मुझे बताई, दर्द भी बताया, विपक्ष की बात भी की, पर क्या आपको लगता है इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष टीएमसी का साथ दे रहा है? क्या वहां पर अन्य सांसदों ने यह कहा, कांग्रेस की या टीएमसी की बात छोड़ दें, क्या उन्होंने कहा कि यहां पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, या उनको बोलने का मौका दिया जाए, बोलने का मौका भी नहीं दिया गया? तो आपको नहीं लगता कि यहां पर केवल टीवी डिबेट से बैठकर हम अपना आक्रोश दिखाते हैं, वो आक्रोश हमको रोड पर नहीं दिखता, वो आक्रोश हमको संसद में नहीं दिखता है? क्योंकि जब यहाँ पर मणिपुर वाले मुद्दे पर चर्चा हो रही थी और जब यहाँ पर सरकार बोलने पर आई तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, वहां पर लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं थे, ऐसा क्यों? अगर लड़ना चाहते हैं तो संसद क्यों नहीं लड़ते हैं, रोड पर क्यों नहीं लड़ते हैं? केवल लड़ाई, केवल और केवल आक्रोश और केवल विरोध, क्या केवल टीवी डिबेट्स के माध्यम से नजर आएगा? कपीस भाई जवाब दे दीजिए। भाई बहुत स्पष्ट सी बात यह है, बोल दीजिए, कारखाने में टी की आवाज सुनता कौन है? ध्वनिमति से क्यों पास कराना पड़ा? अच्छा, विरोध को सुना क्यों नहीं? भाई आप अवसर देंगे तब तो कोई बोलेगा, और बायकाट अगर संसद का होता तो क्या कहते हैं ये कि देश का पैसा खराब हो रहा है जी? क्या ओपिनियन ली गई जिस अनुशासन समिति ने ये कार्रवाई की है? प्रत्येक सांसद से इन्होंने ओपिनियन लिया है क्या? उस समिति में तो 7 बनाम 3 का रेशियो है, तो अपने आप सर्वसम्मति पास हो जाना, जो चाहे भाजपा करा ले, आज के डेट में इतनी तो इनको शक्ति जो है वो हमारी देश की जनता ने दी है। अच्छा, और एक बात और मैं कह रहा हूँ, बोल लीजिए। मैंने जो पूछा कि कारखाने में तूती की आवाज सुनता कौन है, आप मुझे बताइए, जब इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के सिलसिले में मुख्य न्यायमूर्ति ने एक आर्डर पास कर दिया कि उनकी नियुक्ति यस मैन की तरह ना हो, एक पारदर्शिता रहे उसमें जी, और उसमें एक विपक्ष के जो है नेता विपक्ष रहे जी, उसमें प्रधानमंत्री जी रहे और उसमें न्यायमूर्ति रहे, तो क्यों इनको अध्यादेश लेके आना पड़ा? अच्छा, और मैं तीसरी बात पूछता हूं कि जब 21 दलों से ज्यादा दलों ने इलेक्शन कमीशन के सामने एक पत्र लेकर के राष्ट्रपति जी के माध्यम से भी हर जगह हम लोग ने प्रस्तुत किया कि हम लोगों को ईवीएम में भरोसा नहीं है, देश की जनता को नहीं है, और ये इलेक्शन बैलेट से होना चाहिए,
तो क्यों नहीं सुनवाई हुई? तो मना कर दीजिए, कमीशन ने क्या कहा? मना कर, चुनाव भी मत लड़िए। ने कहा नहीं नहीं, एक बात सुन लीजिए, वो तो वो भी आएगा सर, जो आप कह रहे हैं ये बायकॉट का उठाना पड़ेगा बीड़ा। अच्छा, क्योंकि ये चोर जानता कि चोरी कहाँ करनी है, कब करनी है और कैसे करनी है। अच्छा, एक आज राज्य जिता करके आप, जो मैं सबसे बड़ी चीज कहता हूँ, लोकतंत्र की धरोहर क्या होती है? जनमत। अच्छा, और जनमत पे अगर ईवीएम पे आ गए आप लोग, 26-28 दलों को अगर विश्वास ना हो तो मुझे बताइए कहाँ लोकतंत्र सुरक्षित है। ठीक है, चले, हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये देश की जनता सब अच्छे से जान रही है, ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में एक तरफा कार्रवाई हो रही है। राहुल गांधी जी के अवसर पे भी वही देखा गया, आजम खान साहब पे देख लीजिए कि आखिर जब सेशन कोर्ट ने उनको बाइज़त बरी कर दिया, क्या आपने विधायकी दिलाई उनकी? ठीक है, 2005 में जो कार्रवाई हुई थी, कभी उस पर क्या कहेंगे? कपीश भाई सिंगल स्टेटमेंट दे दीजिए, 2005 में भी कार्रवाई हुई थी, 6 भाजपा सांसद थे, 3 NVSP के। अच्छा, वो भी राजनीति थी, क्योंकि परिस्थिति जन्य साक्षी इस बात को कह रहे हैं कि ये मामला रेलिवेंट ही नहीं है, ये तो विपक्ष का प्रश्न ही था जो महिला मित्रा ने किया। अच्छा, और इसमें किसी को रिश्वत देने की बात ही नहीं हो, अगर रिश्वत देने की बात है तो पहले तो उसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए जिसने गैर विधिक काम किया, वो प्रूव करे कि पहले उसने कैसे रिश्वत दिया। ठीक, आपने किस तरीके से अनुशासनात्मक कमेटी का कार्रवाई कर दिया। ठीक, तो ये तो पाप किया जा रहा है, पाप। ठीक है, हो गया, हो गया, पाप है। विद्या बोलेगी, विद्या बोलेगी, विद्या गौतम, विद्या जी आपके भी 3 सांसद पहले भी इस मामले में लेकर कार्रवाई हुई थी, उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी, क्या कहेंगे? कोई भी जिस तरह से लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र का एक, मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन काल में इससे बड़ा कोई मजाक नहीं देखा है। मजाक कर रहे हैं, आपने हमारी पार्टी के बसपा नेता, हमारी पार्टी के जो है सांसद दानिश अली जी का केस देखा होगा, मीडिया में बहुत ज्यादा रहा, किस तरह से संसद के अंदर उनको गालियां दी गई, और उन्हीं के सत्ता पक्ष के सांसद भी दी, किस तरह से उनको एक धार्मिक सांप्रदायिक और एक एक तरह से कटघरे में खड़ा करा गया जी। और कितनी बड़ी बात है कि आज मैंने लोकतंत्र में पहली बार इतना बड़ा मजाक देखा है कि आए दिन सांसदों के ऊपर कार्रवाई चल रही है और जो गालियां दे रहे भरी संसद में बिल्कुल ऑन कैमरा और स्पीकर के सामने गालियां दे रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई समय पे नहीं होती है। अच्छा, चाहे आप देख लीजिए राघव चड्ढा की बात देख लीजिए, संजय सिंह की, आम आदमी पार्टी की बात देख लीजिए, सांसद की, चाहे राष्ट्रीय जो वो है एक विपक्ष, अरे वो अनुशासन कमेटी समिति के वो नहीं है, वो संजय सिंह का मामला अलग है भाई, आम आदमी पार्टी सांसद का मामला अलग है भाई, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई ने कार्रवाई की है जी। तो मामला अलग है जी, नहीं कहना चाह रही सर, क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आ रही जी, बोलिए बोलिए। मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि इस तरह से जो कार्रवाई की है पूरी तरीके से जी, एक तरह से स्वार्थ भावना और सत्ता पक्ष का एक तरह से ताना शाही के सिवा और कुछ नहीं है, मुझे दिख रहा है। ठीक, और आपने देखा कि संसद के अंदर किस तरह से आए जिन लोगों को विपक्ष को पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। 2005 में कार्रवाई थी, किसकी तानाशाही थी बता दीजिए? 2005 में कार्रवाई हुई थी ऑपरेशन दुर्योधन के तहत, वो किसकी तानाशाही थी वो बता दीजिए जरा। उस वक्त की कार्रवाई थी, अभी बात है अथॉरिटी इस वक्त की, नहीं वो ठीक है, वो तानाशाही बता दीजिए, वो तानाशाही किस पार्टी की थी भाई? यहाँ पर भाजपा पे आरोप लगा रही है, तानाशाही थी, लेकिन चीजों के लिए न्याय के लिए समय तो दिया जाए ना, चीजों को सुना तो जाए, समझा अच्छा, तो जाए, सुना जाए, चलिए ठीक है। जो आप देख रहे थे जिससे पहले मैंने इस तरह का मामला इतना बड़ा तो नहीं देखा। ठीक है, ठीक है, 2005 की घटना का बात कर रहे हैं, 2005 की घटना का नहीं, मैं यहाँ पर सरसरा रद्द देने की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पर बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसे मैंने आपको बताया कि उस समय भी एक कार्रवाई हुई थी, 11 सांसद वहाँ पर जी जी। ठीक है जी, बोलिए जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, जल्दी बोलिए जी। मैंने क्योंकि मैंने आपका पूरा सवाल नहीं सुना, एक बार दोबारा कहें तो प्लीज। 2005 में भी बसपा के 3 सांसदों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई हुई थी, सरकार कांग्रेस की थी, वो तानाशाही थी कि नहीं थी, अगर ये तानाशाही है जी? मायावती जी भी हमेशा कहती है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा, अच्छा, तो अपनी शासनकाल में तानाशाही दिखाती है संवैधानिक व्यवस्थाओं को। वही मैं चाह रहा था पूछना आपसे जी, तो आपने बता दिया कांग्रेस भी तानाशाह है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहन मायावती जी भी कहती है कि तानाशाही, लेकिन जो इस वक्त पे हम भाजपा की तानाशाही देख रहे हैं, इससे बड़ी तानाशाही हमने सारे, ठीक है, हो गया, ठीक है, आता हूँ विद्या जी, दोबारा आता हूँ आपके पास। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ प्रवक्ता रालोर रजनीकांत जी मौजूद हैं। रजनीकांत भाई, लंबा कार्यकाल रहा है, अनुभव रहा है, किस तरह देखते हैं इस कार्रवाइयों को, और अगर हो रहा है तो ये तानाशाही बोलने की बात कही जा रही है?
क्या मत है आपका इसका? देखिए इसमें बहुत सारी चीजें तो साफ नजर आ रही हैं जी। एक तो ये कार्रवाई लग रही है कि प्रेरित होके कार्रवाई हो रही है जी, प्रेरित होकर कार्रवाई हो रही है, राजनीति से प्रेरित होके कार्रवाई हो रही है ठीक। और इससे दो चीजें झलकती हैं जी। वो ठीक है, भले वो चार राज्यों में चुनाव हार गए जी, लेकिन वोट का परसेंटेज बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल रहा। सुनिए जी, इससे भी ये लोग कुछ विक्षिप्त हैं। अच्छा, तो अब इस तरह की कार्रवाइयां करेंगे, एक ये तरीके वो चलाएंगे। अच्छा, कि ये देखा जाए इन्होंने पैसे लेके सवाल लगाए, इन्होंने कैसे क्या किया। अभी मैं कपीस भाई ने एक कानूनी बात की जी, वो इससे कानून से ताल्लुक रखते हैं जी, कि भाई कार्रवाई तो दोनों पे होनी चाहिए थी, बिल्कुल, घूस लेने वाले पर, घूस देने वाले पर, बिल्कुल होनी चाहिए। तो आज हमें अम्बेडकर साहब का वो बात याद आ रहा कि संविधान तो बना दिया गया लेकिन कैसा लागू करने वाला होगा ये उस तरह से इस पर वो कर सकता है काम। अच्छा, ठीक है ना, संविधान के बारे में उन्होंने खुद लिखा और खुद कहा जी, ये संविधान ऐसा है कि जो मतलब लागू करने वाला कैसा है। अच्छा, इस संविधान को चलाने वाला कैसा है, उसकी सोच और उसकी मानसिकता। उंगली बीजेपी उठ गई है, मेरी बात सुन लीजिए, बात सुनिए, हम उंगली किसी पे नहीं उठा रहे हैं जी, आप बात सुनिए मेरी जी। देखिए, महिमा मित्रा को समय देना चाहिए जी, उनकी बात सुननी चाहिए थी। अगर किसी कत्ल किए हुए आदमी के लिए कोर्ट लगता है और गवाही होती है, जजमेंट होता है, दुनिया भर की चीजें होती हैं जी, तब फैसला आता है जी। आपने अभी एक बात कही कि संजय सिंह को ईडी ने पकड़ा जी, नहीं, उनकी सदस्यता सदन में ही गई थी जी, सिर्फ हल्ला गोल में चले गए थे। नहीं, वो मामला थोड़ा अलग है, नहीं नहीं अलग नहीं है, वो तो बोल लगाए थे, वो तो बोल लगाए थे, उनको जो ब्रेक किया गया जी, कहा गया, जो सस्पेंड किया गया था, इसीलिए किया गया, वो चले गए, बोलने चलते, बोलने चले गए जी, ठीक ना। इस तरह से कई लोगों को जी, विधूड़ी जी को क्यों नहीं किया गया जी, क्यों नहीं किया गया? आपको क्या नजर आता है ये जी? ये प्रेरित नहीं नजर आता, ये ग्रसित नहीं नजर आता, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसमें कहने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और मेरा ख्याल है कि जो हमारे साथी बैठे हैं उनको भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अभी यहाँ पे बातें अडानी जी की आ गई, इनकी आ गई, उनकी आ गई, ब्लेम तो अडानी जी पर भी आए थे जी, कौन सी जांच हो गई जी, क्या हो गया, अब बताएं ना सभी ने। अगर अगर एक फर्जी FIR पर आदमी गिरफ्तार कर लिया जाता इस देश में तो जांच की कार्रवाई तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं हुआ, ये क्या दर्शाता है? तो महुआ मोहित्रा जी को सुनना चाहिए था, जो उनको सुनने उनको बोलने नहीं दिया गया जी। ये बातें ऐसा लगता है कि ये ग्रसित मानसिकता से किया हुआ एक कार्रवाई है जी। और अगर ऐसा न होता तो जिसने कहा कि मैंने उनको पैसे दिए उसकी भी गिरफ्तारी होती जी। और जब जिस कहा कि कपीस भाई के बात से मैं सहमत हूं कि ये बाहर का मामला था, तो पहले तो बाहर होना चाहिए था भैया जी, गिरफ्तारी होती है लोगों की, इनकी भी होती, उनकी भी होती, बात होती, फिर सदस्यता जाती या रहती, भाई उनको भी कई लाख लोगों ने सांसद चुना है जी, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे आ गई हैं लोकसभा में जी, उनको भी लाखों लाखों लोग के साथ आप खेल रहे। आपने यहाँ बात की रमेश जरूरी की, आपने बात की उनके बयान की, बात की, जानकारी मुझे भी है, मैंने भी सुना है, पर यहाँ पर जब आप यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं तो क्यों यहाँ विपक्ष एकजुट नहीं होता है उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए? क्यों वहां पर विपक्ष शांत हो जाता है बयान देकर? क्यों विपक्ष वहां शांत हो जाता है ट्वीट कर? नहीं नहीं ऐसा नहीं, क्या ऐसा अपना दर्द है? अगर हमारे नेता खिलाफ कार्रवाई होगी तो हम लड़ेंगे रोड पर। देखिए, मैं आज अगर आप मैं आज आपको बहुत एक स्पष्ट बात कहना चाहूंगा, बोलिए, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं जी, विपक्ष के दल के सबसे बड़े पार्टी हैं ये जी, मैं इनसे कहना चाहूंगा जी कि आपको बहुत सारी चीजों में आगे आना पड़ेगा जी, आपको आगे आना पड़ेगा, आपको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा जी। अगर आपने बड़ा दिल दिखाया होता हाँ, तो आज चार राज्यों की ये दशा न होती। बिल्कुल, मैं इंडिया गठबंधन में घर में बैठ के अपनी बात कर रहा हूँ, बहुत सफाई से कर रहा हूँ जी। अगर इन्होंने अखिलेश यादव की बात सुन ली होती जी, राजस्थान में हमारी बातें सुन ली होती जी, तो आज हम भद्रतपुर की तीन सीटें हम जीती लिए होते जी। मैंने एक जीता वहां पे, मुझे एक सीट दिया था कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो 100% रिजल्ट पर हैं जी। हमको खतौली दिया तो हम खतौली भी जीत गए जी, ठीक। और हमको एक सीट राजस्थान दिया, हमने राजस्थान जीत लिया, भरतपुर मैंने जीत जी। तो ये बड़ा दिल करना पड़ेगा। अच्छा, और इस आंदोलन में कांग्रेस को आगे अगर इंडिया गठबंधन को रखना है, बचाना हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि इस मुद्दे पर हम लोगों को आगे आना चाहिए। और मैं अपने कांग्रेस के साथी से कहता हूं कि आप अपने दल में अपने नेताओं से इसकी बात चलाएं ठीक, कि सभी गठबंधन के लोग
इसका विरोध करें ठीक और ढंग से करें। पहले अजय राय ने कहा तो अब यहाँ पर रजनीकांत जी ने कहा है कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा। चले ठीक है संजय जी, सबको सुना जवाब आपको देना, सत्ता में आप बड़े आरोप लगे, तानाशाही के आरोप लगे, तमाम तरह के आरोप आप लगे। देखिए गौरव जी ये तो आरोप लगते रहेंगे, अच्छा। लोकतंत्र की खूबी है और गंभीरता नहीं लेंगे आरोप, विपक्ष गंभीरता से आरोप नहीं लेंगे। नहीं देखिए जब दम हो तो आप गंभीरता से लेंगे ना। अभी हमारे कपीश जी क्योंकि हम कोई लीगल उसके तो माहिर है नहीं जी, लेकिन एज ए लेमैन हमें सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा, कह रहे हैं कि साहब बाहर लेन देन हुआ, बाहर FIR होनी चाहिए थी। अरे कपीश जी आपकी जो TMC की सांसद हैं वो पार्लियामेंट को उन्होंने प्लेटफॉर्म बना रखा था जहां वो सवाल, नहीं नहीं अभी उंगली मत हिलाइए आप, सुनिए सुनिए ठीक है, तो वो पार्लियामेंट में सवाल उठा रही थी, वहां अटैक चल रहा था। अरे भाई सुन लीजिए और अगर इतनी बड़ी लीगलिटी के ऊपर आप जा रहे हैं तो आप ही सवाल उठा दीजिए भाई, FIR कराइए उनके ऊपर, आप कराइए, आप उठाइए सवाल को, क्योंकि उन्हें मोहिना मित्रा के ऊपर FIR हुई। अरे जनाब देखिए कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। अच्छा सुनिए कपीश जी, अरे कपीश भाई ये गलत बात है, अरे लाखों मतदाताओं से नहीं होता है, लोकतंत्र में आप इसको शील्ड नहीं बना सकते। साहब हम आप पब्लिक से चुन के आए हैं तो हम बहुत गंगा जी में नहा के आए हैं। अरे सुनिए जनाब, और सबसे बड़ा जो क्राइम है उन्होंने अपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ID पासवर्ड दिया क्यों, मेन इश्यू ये है, पासवर्ड दिया क्यों उनको? आप तो मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस वाली बात आ रही है, आप वो पार्लियामेंट के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, क्यों दिया आपने? सवाल ये है पता चला कि आप पता चला कुछ नहीं पता चला, अगर किसी ने कोई डायरी मार ली हो धीरे से, अरे वाह वाह क्या जनाब बोल रहे हैं, डायरी मार ली हो क्या बात कर रहे हैं, क्या बच्चे वाले कपीश भाई, क्या बच्चे वाले, क्या भाई देखिए, अरे मेच्योरिटी वाले बात रखिए आप, क्या बच्चे वाली बात कर रहे हैं, डायरी मार ली हो क्या बात है, वाह डायरी मार ली हो, अरे ID पासवर्ड क्यों दिया जी, अरे क्यों दिया? आपके घर अगर जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, आपकी डायरी क्यों जा रहा हूँ साहब, दे लूंगा। अरे अडानी को लेके इतना बवाल काट रखा है उसपे भी बोलिए ना, जान बूझ करके क्या बात कर रहे हैं, पार्टी के षड्यंत्र में रहा हूँ, अरे साहब आपके जवाब में कोई दम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए षड्यंत्र बिछाया आप लोग बैठ के टाइम उसके लिए डायरी टाइम बर्बाद कभी नहीं होगा, इतनी बड़ी बात है कभी भाई, क्या आप लोग कभी भाई क्या है, बकीले सफाई मान लो TMC सांसद की तरफ से समाजवादी पार्टी, क्यों आप लोग पार्लियामेंट से भागे आज जी, क्यों नहीं फेस किया जी? भागे नहीं, आप पार्लियामेंट से क्यों वॉकआउट किए, कि आप क्यों भागे वहां से, हमारी बात सुनने के लिए क्यों नहीं सुन रहे, सब सुनते हैं आपकी बात में कोई दम नहीं है इसलिए भागते हैं आप लोग, नाजायज बातें, अरे नाजायज आपकी बात में कोई दम नहीं जनाब, आप भी जानते हैं आप किस तर्फ, सुनिए कपीश जी आप जिस तर्फ पे बैटिंग कर रहे हैं ना वो आप भी जानते हैं, वो पिच बिल्कुल बेकार है, वो उसके आप कुछ नहीं कर सकते उसके ऊपर, प्रधानमंत्री जी जब, अरे जनाब भागते क्यों हैं आप लोग, क्यों कार्रवाई नहीं, बाद में TV चैनल पर चिल्लाते हैं, चले हो गया सड़क पे उतरिए, पार्लियामेंट में कभी भाई हो गया, कभी भाई हो गया, क्या बात है, मैं सवाल ले लीजिए संजय भाई, यहाँ पर रजनीकांत जी ने आपको बिरूड़ी की याद दिलाई, क्या उन पर कार्रवाई, वहां पर एथिक्स नहीं लगता क्या, एथिक्स सिद्धांतों की कमेटी होती है, अगर वहाँ पर कुछ भी गलत हो रहा है, रजनीकांत जी आपको याद दिलाई, विद्या गौतम आपको याद दिलाई है, फिकर श्रीवास्तव आपको याद दिलाए, उस पर क्या कहेंगे? देखिए ये तो बिधूड़ी जी का मामला दूसरा है, अच्छा जब दानिश अली उल्टा सीधा बोल रहे थे जवाब दिया, क्या बात है, तो जवाब भाषा में लेना चाहिए ना, नहीं नहीं यार कपीश भाई आपसे नाराज हो गए, नहीं नहीं ठीक है, मर्यादा छोड़ देंगे क्या, अरे देखिए डेमोक्रेटिक उसमें अब राहुल गांधी जी तो पता नहीं क्या क्या बोले हैं मोदी जी के ऊपर, इतने ज्यादा गंदे शब्दों का प्रयोग कांग्रेस वाले मोदी जी के खिलाफ करते हैं, अरे आप मुझे बताइए ना जी, आप शब्दों का प्रयोग क्या मैं दोबारा करूं क्या जी, क्या आप सुन नहीं पाएंगे, अच्छा सुनाइए आप जनाब, हम भी जवाब, अरे भाई आप भी नहीं सुन, मर्यादा में रखिएगा बस, आप मुझे बताइए ना कठुआ कहना सही है क्या, लीजिए मर्यादा में आता है, बोल रहा हूँ जी जी, और मैं इन शब्दों को साध्वी का बयान दिला दूं, चले ठीक है, इन शब्दों को चले ठीक है, राम जादे और हराम जादे, देखिए अरे हिंदू समाज के, आप हिंदू समाज के घाव को मत कुरेदिए, लीजिए कपीश श्रीवास्तव जी, संजय संजय सिंह बोले, घाव को मत कुरेदिए जी, अच्छा मुझे आप बताइए ये राम जादे और हराम जादे क्या होता है,
और कपिल भाई संजय से कुछ बोलना, सुन लीजिए, समय कम है। जूतम पैदार कर रहे थे जी, और चमड़ी का सौदागर बता रहे थे बघेल को, राकेश सिंह बघेल को। अरे आपने तो राम के लिए निशाने क्या क्या बोला है, क्या बोल रहे कपिल भाई, देखिए फंस जाएंगे आप राम जी चक्कर में। चले हो गया, आपके अपने सांसद ने अपने ही विधायक को चमड़ी का सौदागर कहा था। ये चमड़ी का सौदागर क्या होता है जरा बताइए मुझे। यानी कहां से आप उठा के ला रहे साहब, हमने तो नहीं सुना। अरे भाई मेरे ऊपर केस कर दो ना अगर गलत कह रहा हूँ। अरे क्यों कर दे आपके ऊपर, फालतू टाइम रखा हम लोगों ने, आपकी बकवास में केस क्यों करेंगे। फजूल बातों पर चले हो गया, हम लोग जनता की चले हो गया, जूता मारते समय चले हो गया, समय कम बचा, समय हो गया। खोदना नहीं चाह रहे समाजवादी के, अरे आप खोदिए ना, हम आपको पूरा खोद देंगे, अभी आप चिल्लाएंगे, खोदिए महाराज, हम उस सत्र में डिबेट नहीं करेंगे। ये बताइए सिंगी ऋषि की औलाद भगवान राम को किसने कहा, लीजिए। अरे यार राम का मंदिर नहीं बनवाना देना चाह रहे थे, बकवास कर रहे बैठ के दिल्ली चैनल पे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अरे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आप संजय, अरे बड़े राम के भक्त बने घूम रहे हैं, बड़े राम के भक्त बन रहे हैं। प्रदीप कुछ बोल रहे थे, मंदिर बनने देना चाहते थे, कभी भाई हो गया, हिंदुओं को मरवा दिया, प्रदीप जी बोले, अभी मंदिर नहीं बनने देना चाहते थे, हम कर रहे बैठ के, प्लीज कपिल भाई, प्लीज प्रदीप जी बोले, प्रदीप सिंह बोले। नहीं गौरव भाई, आप देखिए कि हमने जब डिबेट शुरू हुई तभी मैंने बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बंगारू लक्ष्मण जी पर भी एक बयान दिला दीजिएगा। अच्छा, पूरी बहस लगभग समाप्ति की ओर है, हाँ, बंगारू लक्ष्मण पर एक बयान नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है कि आप अगर विपक्ष सवाल अडानी को लेकर, इनको लेकर अगर सवाल करता है तो आप उसकी सदस्यता समाप्त कर देते हो, और इतना ही नहीं करते हो आप, देखिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता से लेकर लगातार आप विपक्ष के नेताओं पर किस तरह की अमर्यादित टिप्पणी लगातार, देश के प्रधानमंत्री तो जी ने तो श्रीमती सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय और इस तरह की तमाम टिप्पणियां की जो हम मर्यादित जिसकी बहस के दौरान जिन भाषा का हम प्रयोग नहीं कर सकते, तो इन ऐसे लोगों के खिलाफ कितनी कार्रवाई हो रही है। और दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, चाहे संसद के अंदर की बात ले लीजिए, जहां जहां आवाजें उठी हैं आपके आपके तीन एलआई पार्टनर सीबीआई ईडी इनके एलआई पार्टनर इन्हीं के गठबंधन के साथ ये चुनाव के मैदान में जाते हैं, इन्हीं गठबंधनों के साथ सरकार चलाते हैं। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कई चीजों की बात कर रहे थे, जब आप देखिए आप मध्यप्रदेश जीतिए, आप राजस्थान जीतिए, मोदी के चेहरे पर जीत रहे हैं, मोदी का परचम लहरा रहा है। अच्छा, तेलंगाना हार जाइए वो लोकल मुद्दा है, लीजिए वो लोकल, दक्षिण के द्वार बंद हो गए हैं, अहंकार इतना है कि आप लगातार विपक्ष पर अमर्यादित टिप्पणी यहां बैठकर भी कर रहे हैं, दक्षिण के द्वार आपके लिए दक्षिण की आवाम ने बंद कर दिया। और जब आप उत्तर प्रदेश, आप जब मध्यप्रदेश और राजस्थान की बात करते हैं और पूरे चुनाव को ऑल ओवर बात करेंगे तो हम 400,000 वोट आपसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी पाई है, इस पर आप इस पर आपकी कोई टिप्पणी नहीं हो रही। आप निश्चित तौर पर हम ये कह रहे हैं कि हम बुनियादी मुद्दों पर बात कर रहे हैं, आप कितनी भी अराजकता फैला लीजिए, कितने भी सांसद सदस्यों की आवाज को आप बंद कर दीजिए, कितनों की आप सदस्यता छीन लीजिए, लेकिन आप किसी भी तरीके को अपना लीजिए, लेकिन जनता उत्तर प्रदेश की हो या मध्य प्रदेश की हो राजस्थान की, वो नहीं भूलेगी किसानों के की राह में आपने कांटे बिछाए थे, वो नहीं भूलेगी किसानों को आपने आतंकवादी कहा था, आपको 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 देशद्रोही, आपको आपने किसानों को देशद्रोही तेलंगाना तेलंगाना हार के आइए, मिजोरम हार के आइए, तेलंगाना हार के आइए, नई पार्टी आई है, तो निश्चित तौर से बनी है, तेज में सरकार बना ली है, निश्चित तौर पर। और हम कह रहे हैं कि तेलंगाना के साथ ही दक्षिण के द्वार भारतीय जनता पार्टी के बंद हो जाते हैं। अब आप उत्तर प्रदेश जहां पर हम बैठकर बहस कर रहे हैं, आप देखिए ये वो प्रदेश है जहां पर गुंडे जेल के अंदर बैठकर बर्थडे मनाते हैं और वीडियो वायरल करते हैं, जहां का गुंडा गृह राज्य मंत्री किसानों के सीने पर गाड़ियां चढ़ाता है और सरकार उसके समर्थन में खड़ी नजर आती है, उतना ही नहीं बलात्कारी सांसदों विधायकों के साथ सरकार समर्थन करती नजर आती है। ये सारी मुद्दे और ये मुद्दे, ये बुनियादी मुद्दे ये हैं, इन मुद्दों पर 2024 होने जा रहा है। ठीक ठीक।
बोलिए संजय बरूड़ी पर जी, एक मिनट हम अपने प्रदीप भाई से ये पूछना चाहेंगे, अगर बंगारू लक्ष्मण की बात उठाएंगे तो फिर हम नेहरू जी के जीप घोटाले की विवाद जवाब दीजिएगा आप उसके ऊपर समझे साहब जी। और वो बात किसी भाजपा या संघ ने नहीं उठाई थी। अरे सुन लीजिए, लक्ष्मण जी पर आपका शालीनता के साथ, और वो उठाया किसने था, नेहरू जी के दामाद ने, इंदिरा गांधी की जी के पतिदेव ने उठाया था मुद्दा लीजिए। ठीक है साहब, मत खो दिए, मत खो दिए, मत खो दिए, बहुत बदबू आएगी आपके कारनामों से निकल के। अच्छा। और रही बात ये जो बंगारू लक्ष्मण पर एक भी बयान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का नहीं आ रहा है, वो गलत है, सही है। अरे नेशनल हेराल्ड, गलत है, सही है। बंगारू लक्ष्मण पर आपका बयान बताइए, सोनिया जी और राहुल जी जेल पे चल रहे हैं, बयान अभी तक आपका नहीं आ रहा। नहीं, बयान दीजिए ना, जनता पार्टी के प्रवक्ता से लेकर राष्ट्रीय नेता तक मौन है। चले हो गए, सारी बातें बोलेंगे, चले हो गए, चले हो गए, सारी बातें, चले हो गए, बेकार बोलेंगे। जमानत पर है, जमानत पर है, जमानत पे है माँ बेटे, माँ बेटे जमानत पे है, नेशनल है। 5,000 करोड़ पे बोलिए, 5,000 करोड़ पे बोलिए, माँ बेटे जमानत पर चल रहे हैं, पुलिस भेज देंगे, माँ बेटे जमानत पर है, 5,000 करोड़ पे बोलिए, 5,000 करोड़ पे बोलिए, 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 अरे बोलिए, 5,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, यही तो मैं कहता हूँ। अमर्यादित पार्टी अपने यहाँ पर लगातार बोलने चलते लोगों को बोलने, और यहाँ पर प्रखर श्रीवास्तव स्टेटमेंट नहीं, प्रखर श्रीवास्तव प्रखर बोलिए, जल्दी बोलिए। गौरव भाई, जब मैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता को सुन रहा था तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि डाकू गब्बर सिंह अहिंसा और सच्चाई के प्रवचन में भाषण दे रहा हो। अच्छा, देखिए मैं आपके सम्मानित चैनल पर फिर आखिरी बार बोल रहा हूँ, देश के अंदर अडानी के नौकरों की सरकार चल रही है। अच्छा। और इस देश में जो मालिक अडानी कहेगा उनको नौकरों को करना पड़ेगा। दारू वाले नौकर नहीं कर पाएंगे प्रखर भाई, दारू वाले नौकर, संजय जी, दारू वाले दलाल, मैं आपको बता, दारू वाले दलाल नौकर, दारू वालों के नौकर, आप अडानी के नौकर हो, हम नौकर नहीं है। चलिए प्रवक्ता राहुल बोलेगा, आखिरी स्टेटमेंट हो गया, आप दलाल हो गया, चलिए अभी पता चलेगा, बोलिए दलाल हो तुम लोग, चलिए हो गया, दारू वालों के दलाल हो, दारू वाले दलाल। रजनीकांत जी बोलिए, रजनीकांत जी बोलिए, 30 सेकंड रजनीकांत जी बोलिए। जी ने चंद्रयान की सफलता की बात चल रही थी, उन्होंने इतना ही कहा था कि ये इसरो का वो नेहरू जी द्वारा प्रदत्त था, उसके बाद ये सारी चीजें उसी पर इतना तेज भड़के। अच्छा। कि चुप हो जा, गुमराह मत कर, फलां कर, ये बातें हुई थी जो आपने कहा कि नहीं, वो बात दूसरी थी, दूसरी बात नहीं, उन्होंने कोई अपशब्द नहीं कहा था, उन्होंने यही कहा था कि वो इसरो जो है नेहरू जी की देन है। अच्छा। जो सारी वैज्ञानिक हैं वो बहुत पुरानी चीजें हैं, और कई बार चंद्रयान लॉन्च हुआ तो इसको भाजपा न भजाए, ठीक है, ये वैज्ञानिकों द्वारा, ठीक है, चले हो गया। आप सभी का चर्चा जुड़ने के बाद धन्यवाद, तो चर्चा यहाँ ओवर हो चुकी है, और यहाँ पर सबने अपने अपने बयान दिए हैं, और यहाँ पर सबने बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाया है। अगर यहाँ पर तानाशाही बीजेपी के द्वारा है तो उसके पहले भी तमाम तरह के कारनामे हुए हैं, उसके द्वारा भी यहाँ पर सरसर रद्द हुई है, इससे पहले भी कार्रवाई हुई है, पर यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी के ऊपर ये कहा जाता है कि ईडी सीबीआई इनकी अलायंस है, इनके साथी हैं, ये भी बड़ा प्रश्न उठता है
क्या वास्तव में दुरुपयोग हो रहा है, क्या वास्तव में ऐसी चीजें हो रही है जिसको लेकर लगातार विपक्ष इस तरह की बात कह रहा है, क्या वास्तव में इस तरह की चीजें हमारे देश में घटित हो रही है, क्या वास्तव में लोकतंत्र के मंदिर में पैसा लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, वो अभी भी जांच का विषय है और अभी इसमें तमाम चीजें निकलने आएंगी। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से चीजें आ रही हैं, जिस तरह से चीजें व्यथित हो रही हैं, वो स्पष्ट किया जाता है कि आने वाले समय में और भी चीजें और गहराएंगी, क्योंकि 24 का चुनाव है और सियासी तपिश बढ़ती रहेगी। पर एक सवाल मेरा यहाँ विपक्ष से भी है कि वास्तव में अगर आपको लगता है कि यहाँ पर गलत हो रहा है तो संघर्ष करिए, लड़िए, और यहाँ पर रोड पर संघर्ष करिए, टीवी डिबेट पर संघर्ष से कुछ नहीं होने वाला है। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।